Hello students, in this video we will learn about class constants. So class constants का हम use कर सकते हैं हमारी class में अगर हमें कोई value को constant define करना है. So if we want to define some constant data within a class, we can use const keyword. ठीक है, const is the keyword जिसकी help से हम क्या कर सकते हैं, कोई constant data define कर सकते हैं. और constant को अगर आपने एक बार declare कर दिया, so we cannot चेंज इट. ठीक है, सो कॉन्स्टेंट्स नॉर्मली दे आर केस सेंसिटिव, बट रिकमेंडेशन है कि आप उनको हमेशा अपर केस लेटर में लिखें. इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज द रिकमेंडेशन. सो केस सेंसिटिव है ये. ठीक है, और हम किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास बाई यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अगर आपको पता हो तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं इनको. एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि हम इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास एंड विद इन द क्लास. ठीक है, तो मैं ये क्लास क्रिएट करने वाली हूँ. ओके, सो माय क्लास नेम इज फ्रूट. इधर मैं ले रही हूँ एक कांस्टेंट वेरिएबल. ओके ओके, सो दिस इज माय मैसेज. ये मैंने लिया है कांस्टेंट. ठीक है, सो इधर मेरा ये क्लास फिनिश हो गया. अगर मुझे इस मैसेज को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, बाय यूजिंग दिस क्लास मेथड. क्लास नेम, माय क्लास नेम इज फ्रूट, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर मुझे लिखना पड़ेगा ये जो मैंने कांस्टेंट का नाम लिया. ठीक है, तो मैंने इधर कांस्टेंट लिया है मैसेज से, मतलब ये वेरिएबल का नेम कैसे लिया है मैंने मैसेज से. रिकमेंडेशन है कि हमें इसको कैसे लेना चाहिए, अपर केस लेटर्स में, बट मैंने इधर लोअर केस लेटर्स में ही लिखा है. सो इट इज गुड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसको अपर केस में ही लेना चाहिए, बट इट इज रिकमेंडेशन. ठीक है, तो मैंने इधर नहीं लिया है. आप देख सकते हो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम इस कॉन्स्टेंट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हमें इसको किसी क्लास के अंदर ही एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ. अगर मुझे ये जो मैंने मैसेज मेरा कांस्टेंट लिया है, इसको मुझे चाहिए कि मैं क्लास में ही एक्सेस कर पाऊँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं इधर ही लिखने वाली हूँ इसको. ठीक, इधर ही मैं एक फंक्शन बनाने वाली हूँ और उसके थ्रू इसको एक्सेस करूंगी. ठीक है, फंक्शन मैसेज वन. ओके, सो दिस इज माय पब्लिक फंक्शन, और इधर ये मैं इसकी डेफिनेशन दे रही हूं. ठीक है, आई एम गिविंग द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन बिसाइड दिस फंक्शन नेम. ठीक है, सो इधर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये देखो. इधर मुझे इधर यूज करना पड़ेगा सेल्फ कीवर्ड का. ठीक है, कीवर्ड का नाम क्या है, सेल्फ, ये याद रखना. सेल्फ कीवर्ड का यूज करके मैं इस जो हमारा कांस्टेंट था उसको एक्सेस कर सकती हूँ. ठीक है, कांस्टेंट नेम इज. ओके, सो आउटसाइड द क्लास आप कैसे करोगे, लाइक दिस. ओके, एंड इनसाइड द क्लास वी विल यूज सेल्फ कीवर्ड. ओके, आउटसाइड द क्लास करोगे देन वी नीड टू टेक क्लास नेम, अदरवाइज वी कैन यूज सेल्फ कीवर्ड और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इधर मेरा फंक्शन फिनिश हो गया और इधर मेरी क्लास फिनिश हो गई है भाई. ठीक है, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो. और इसको एक्सेस करने के लिए अभी तो हमारा क्लास के अंदर ले लिया है मैंने, तो जब भी आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस पर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ही बनाओगे, है ना, ऑब्जेक्ट वन. ठीक है, न्यू और फ्रूट. ओके, सो दिस इज अवर क्लास नेम. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्स्टेंट डेटा. आप कॉन्स्टेंट डेटा को कैसे डिफाइन करोगे इन अ क्लास, और आप उसको कैसे एक्सेस करोगे इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास. तो इनसाइड द क्लास जब हम करेंगे तो हमें सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, सेल्फ कीवर्ड विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. एंड आउटसाइड द क्लास करेंगे तो क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. थैंक यू.